शादाब आज कुछ खास की महफिल में कुछ ऐसा खास कर जाएगा के शादाब आज कुछ खास की महफिल में कुछ ऐसा खास कर जाएगा कि अपनी हद से आज हद तक गुजर जाएगा के अपनी हद से आज हद तक गुजर जाएगा, पहुंचाएगा अपनी बर्बादी की कहानी इस महफिल तक, पहुंचाएगा अपनी बर्बादी की कहानी इस महफिल तक, अश्क गिरेंगे मेरी आंखों से और निशा तुम्हारी पलकों पे रह जाएगा। के कद छोटा था उसका इसलिए मैं झुक कर चलता था, के कद छोटा था उसका इसलिए झुक कर चलता था, कहीं वो ठोकर ना खा जाए इसलिए खुद संभल कर चलता था। के लुट गया मेरा वो आशियां किसी रकीब के हाथों, के लुट गया मेरा वो आशियां किसी रकीब के हाथों, जिसका नाम शादाब ने बाबू मेरी जान रखा था। वो मुझे कुछ इस तरह से सता रही है, वो मुझे कुछ इस तरह से सता रही है कि मुझे छोड़ ब्लॉक करने के नए नए बहाने सजा रही है, कि मुझे छोड़ ब्लॉक करने के नए नए बहाने सजा रही है। जब पहुंचा शादाब उसके आशियां पर तो उसके चेहरे की उड़ती रंगत कोई राज तो गहरा छुपा रही है, कि उसके चेहरे की उड़ती रंगत कोई राज तो गहरा छुपा रही है। जब पड़ी नज़र मेरी उसके बिस्तर पर तो उसके बिस्तर की सलवटें किसी रकीब का पता बता रही हैं। मेरे गले लगकर कहती है कि शादाब मुझे माफ़ कर दो, कि मेरे गले लगकर कहती है कि शादाब मुझे माफ़ कर दो, कि दूर हो जा मुझसे, तेरे बदन से रकीब की बुआ आ रही है। वो अक्सर मुझसे पूछा करती थी क्या ज़िंदगी और क्या मौत, मैं अंदर ही अंदर हंसता और कहता तुझे पा लिया तो ज़िंदगी और तुझे खो दिया तो मौत। अक्सर जो घर के बड़े लड़के हैं उनके लिए कि अक्सर ये सोचकर दिल को समझा देता हूँ मैं कि अक्सर ये सोचकर दिल को समझा देता हूँ मैं कि घर के मसले कौन फिर हल करेगा, कि अगर घर का बड़ा बेटा ही इश्क में बर्बाद हो गया तो। के काश कि मैं तेरी आंखों का आंसू बन जाऊँ, काश कि मैं तेरी आंखों का आंसू बन जाऊँ, तू रोना छोड़ दे मुझे खोने के डर से। एक दिन तुमने थामा था हाथ मेरा, मेरे हाथों से तुम्हारी वो खुशबू नहीं जाती, बड़े प्यार से पुकारते थे तुम नाम मेरा, मेरे कानों से तुम्हारी वो आवाज़ नहीं जाती, मैं बुलाता भी नहीं था और तुम आ जाया करती थी। आज बुलाने पर भी तुम तक मेरी आवाज़ नहीं जाती, मैं जानता हूँ ये शहर ये रास्ते तुम्हारे नहीं, मैं जानता हूँ ये शहर ये रास्ते तुम्हारे नहीं, फिर भी न जाने क्यों इन आँखों से तुम्हारे लौट आने की घड़ी नहीं जाती। मैंने अभी मतलब दो बच एक छोटी सी मिस्टी ने सॉन्ग सुनाया था, एक इन्होंने सुनाया था, तो आवाज़ बड़ी प्यारी थी, उस पर एक शेर था अभी लिखा था। आज उन्होंने अपनी इस आवाज़ से ऐसा जादू किया कि आज उन्होंने अपनी आवाज़ से कुछ ऐसा जादू किया, उन्हें सुन मैंने अपना पेन को भी सब लिखना बंद किया, उन्हें सुन मैंने अपना पेन कॉपी रख सब लिखना बंद किया, कि चलाया उन्होंने सुर का कुछ ऐसा तीर, के चलाया कि उन्होंने सुर का कुछ ऐसा तीर कि घुसा सीधा कलेजे में और दिल को तार तार किया। एक शर्ट पे सुनाया था अभिषेक भाई ने, उस पर सुना के लास्ट जगह लूँगा मैं अपनी, कि आज मैं इस महफिल में उसके बगैर आया हूँ, वो तो नहीं है साथ मगर उसकी दी हुई शर्ट पहन आया हूँ,
कि मैं आज इस महफिल में उसके बगैर आया हूँ, वो तो नहीं है साथ मगर उसकी दी हुई शर्ट पहन आया हूँ, कि एक वक्त था जो मुझे जाने से पहले मुझे लिपट कर रोई थी, एक वक्त था जो मुझे छोड़ने से पहले लिपट कर रोई थी, बस वही एक पल बाहों में समेट लाया हूँ। हम जैसे बर्बाद दिलों का क्या जीना और क्या मरना, आज तेरे दिल से निकले कल दुनिया से निकल जाएंगे। एक लास्ट बस फिर अपनी जगह लूँगा कि पेशानी हयात पे कुछ इस तरह के बल पड़े, पेशानी यानी कि पेशानी हयात पे कुछ इस तरह के बल पड़े, हंसने को जूझी चाह तो आंसू निकल पड़े। जिस तरह पी रहा हूँ मैं हंस हंस के अरशे गम, कोई और पिए तो कलेजा निकल पड़े।